उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मंदिर के सामने नॉनवेज का रेस्टोरेंट है, जिसको लेकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं, जिसके चलते आज शिवसेना के पदाधिकारियों ने रेस्टोरेंट को तत्काल हटाने की मांग की। हरिद्वार मंदिर के सामने नॉनवेज रेस्टोरेंट खोले जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए शिवसेना पदाधिकारियों ने रेस्टोरेंट को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। शिवसेना के जिला प्रमुख विशाल शर्मा ने कहा है कि ज्वालापुर स्थित ऊंचे पुल के समीप स्थित स्मृतिनाथ धूना के मंदिर के निकट नॉनवेज रेस्टोरेंट खुलने से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भावना आहत होती है। मंदिर के निकट नॉनवेज रेस्टोरेंट खुलने से मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में आए दिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है। अगले वर्ष होने वाले कुंभ के दौरान साधु संतों के शिविर भी मंदिर में लगाए जाएंगे। समाधि मंदिर के सामने खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट को प्रशासन को तुरंत हटवाना चाहिए। मुकेश उपाध्याय ने कहा कि प्राचीन धूना मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आते हैं। वहीं नाराजगी जताने वालों में बोनू शर्मा, मांगेराम प्रजापति, कपिल त्यागी, ईश्वर चंद वर्मा, धर्मेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। और इसमें सबसे बात यह है कि दोनों तरफ मंदिर है, इधर स्मृतिनाथ जी का धुनी का है धुना है और इधर भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो ये हिंदुओं की भावना को सीधे सीधे ठेस है। सेना इसका कड़ा विरोध व्यक्त करती है। यहाँ पे मेन बात यह है कि बायलॉज के हिसाब से पुल के लोगों को की दुकानें धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। नहीं बंद करते तो शिवसेना इससे दिया गया है कि जिम्मेदारी प्रशासन की इसको बंद कराने की। जय श्री राम।